हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आरके ग्राफिक क्रिएशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हर किस ना भूलिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टी शर्ट पे डिज़ाइन प्लेस करना सिखा रही हूँ, तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक टी शर्ट ले लेनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये एक डिज़ाइन टी शर्ट, सिंपल टी शर्ट ली हुई है। अब मैं इसके ऊपर आपको डिज़ाइन प्लेस करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो हम लेयर पे आएंगे और इसकी कंट्रोल जे से कॉपी ले लेंगे। आपने इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जे से कॉपी ले लेनी है, जैसे कि मैंने अभी ले लिया। इसके बाद आपने जो भी अपना डिज़ाइन सेव किया लगाना है टी शर्ट पे वो ले आएंगे हम। मैं अब अपना डिज़ाइन ले लेती हूँ। मैंने ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करके रखा हुआ है, इसको मैं अपने फोटोशॉप में ले आती हूँ। ये देखिए मैं डिज़ाइन ले आई। अब इसको आपने सिंपल ड्रैग करके अपने यहाँ पे ले आना है। इसके बाद आपने कंट्रोल टी से इसको सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल टी से सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके इसके साइज को कम करना है। ये मैंने इसके साइज को कम कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी, थोड़ा सा इसके साइज को लार्ज कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। यहाँ पे प्लेस करने के बाद मैं इसे इंटर कर दूंगी। उसके बाद आपने इसके एजेस को पकड़ना है, कंट्रोल प्रेस करके इसके एजेस को पकड़ेंगे और थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ड्रैग कर दूंगी ताकि ये रियलिस्टिक लगे, लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो इन चारों कॉर्नर को सेट करने के बाद मैं इसे ओके कर दूंगी। ये देखें, आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसके बाद आपने लिक्विफाई पे आ जाना है। इसके लिए हम जाएंगे फिल्टर पे। फिल्टर पे जाने के बाद लिक्विफाई पे मैं क्लिक कर दूंगी और यहाँ से पहले मैं अपने डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लूँ। इसको जो जिसको हमने लिक्विडफाई करना है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम जाएंगे फिल्टर पे। फिल्टर पे जाने के बाद लिक्विफाई। अब देखिए, अब आपने जो जो एजेस आपको चाहिए कि इसके अंदर, सबसे पहले तो ये ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेंगे, रैप टूल, ठीक है, रैप टूल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा हिलाते जाना है ऐसे। थोड़ा सा ऐसे इसको एडजस्ट, मैं इसको ओके कर दूंगी। आप देख सकते कितना रियलिस्टिक लग रहा है। इसके बाद आपने लिक्विफाई करने के बाद मैं इसको टॉर्च टूल का यूज करूंगी। टॉर्च टूल आपने यहाँ टूल बार में आना है, यहाँ से टॉर्च टूल ले लेंगे। ये हमारी जो इमेज के अंदर थोड़ी सी लाइटनेस लेकर आएगा।
के जो इमेज के एजेस हैं, जो हमने ये डिज़ाइन लिया है इसके एजेस को ये लाइट करेगा, इससे हमारी इमेज और थोड़ी सी लगेगी रियलिस्टिक। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको ज़रूरत है वहाँ वहाँ आप करते जाना। इसके बाद अब मैं ले लूँगी बर्न टूल। बर्न टूल लेने के बाद आपने, ये बर्न टूल है जो ये हम इसको एजेस को डार्क करेगा। देखिए ये इसके अंदर डार्कनेस ऐड कर रहा है। इसके एजेस इसको डार्क कर देंगे। को डार्क करने के बाद अब मैं इसे ओके कर दूंगी। इसे मैंने ओके कर दिया। अब इसके बाद हम सी अपनी इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम नॉर्मल पे आएंगे और यहाँ से मैं ले लूंगी डार्कन। यहाँ से आप कुछ भी, यहाँ से आपको जो अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जो आपका यहाँ से लगे कि जो आपने अप्लाई करने है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई ले रही हूँ। इसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। इसके बाद आपने अपने इस डिजाइन के ऊपर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैं इस पे ले लूंगी मार्क्स। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया मार्क्स। इसके बाद आपने ये जो डिजाइन है इसकी लेयर पे आना है। यहाँ पे इसको कंट्रोल्स प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे और ये देखिए इसकी सिलेक्शन हो गई है। इसके बाद आपने आना है एडजस्टमेंट लेयर पे। ये जो आइकन नजर आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके इस, अगर आप चाहते हैं कि कलर चेंज करना तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आपका दिल करे। यहाँ से आप कलर की सिलेक्शन ले लेंगे और इसको बाद में अप्लाई कर देंगे तो इसमें से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए इसलिए मैं इस पर सिलेक्ट करूँगी। लेवल्स पे आऊँगी। लेवल्स पे आने के बाद मैं इस डिज़ाइन में थोड़ी सी डार्कनेस ऐड कर दूँगी। ये देखें थोड़ी सी इसके अंदर डार्कनेस ऐड कर दूँगी। आपकी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसके स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो ये देखें अब मैंने इसमें डार्कनेस ऐड कर दी। इसको मैं अब ओके कर रही हूँ। इसके बाद फिर से एडजस्टमेंट लेयर पे जाना और मैं यहाँ से कर्व सेलेक्ट कर लूँगी और थोड़ी सी इसके अंदर ब्राइटनेस ऐड कर देंगे। ज़्यादा हो गया, थोड़ी सी हम इसमें ब्राइटनेस ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको करने के बाद, इसको आपको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ओके ओके कर दूंगी। और जितना भी हमने ये काम किया इस सारे को अब मैं कंट्रोल ई से मर्ज कर दूंगी। इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लूंगी। आपने इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कर देना है कंट्रोल ई।
ये देखें, ये एक लेयर बन गई है। इसके बाद मैं फिर से डॉज टूल का इस्तेमाल करूंगी और इसकी जो एजेस है यहाँ से इसको थोड़ा सा इसे रफली लाइट कर दूंगी ताकि वो इसके एजेस एक जैसे लगे, और जहाँ जो जो डार्क एरिया है वहां पे मैं बर्न टूल का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। अब मैं इसे ओके कर देती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा डिजाइन बिल्कुल बन गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा। ये देखिए हमारा डिजाइन बिल्कुल टी शर्ट पे हमने प्लेस कर दिया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।